माय फ्रेंड्स, पिछले समय क्लास 11 CBSE मैथ्स मार्क्स 29 यूनिट नंबर 1 सेक्शन नंबर 1 और लेक्चर नंबर 15 देखा था। आज हम लेक्चर नंबर 16 का अध्ययन करना चाहते हैं। वी स्टडी लेक्चर नंबर 16। इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की संख्याएं हैं, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 डी इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। यदि ए बराबर 1 से लेकर 9 तक संख्या है, बी में 1 से लेकर 5 तक है, सी में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डी में 4, 5, 6, 7 है, तो निम्नलिखित समुच्चयों का मान प्राप्त कीजिए। पहला है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। सेकेंड है बी इंटरसेक्शन डी। सी सेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी। डी वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। ई वाला पार्ट है ए यूनियन डी। एफ वाला पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। और आपका नेक्स्ट पार्ट जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एच वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। आई वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। और लास्ट वाला पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट हल करना चाहते हैं स्मॉल ए, तो बी यूनियन सी, देखिए बी यूनियन सी प्राप्त करना है। तो बी कौन है, बी अच्छा बताइए, बी है 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन सी। सी कौन है, सी आप देख रहे हैं 2, 4, 6 है। अब दोनों का संग लेना है, दोनों का सम्मिलन लेना है, दोनों के अवयव सम्मिलित हो जाना चाहिए। ए एंड बोथ आर इंक्लूड बी यूनियन सी, तो 1, 2, 3, 4, 5 2 और 4 वापस ले आ चुके हैं, 6 न्यू मेंबर, 8 इज न्यू मेंबर, तो बी यूनियन सी हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 है ना, दोनों के सम्मेलन, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए और दोनों के एलिमेंट्स इंक्लूड होना चाहिए। अभी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, है ना, बी और सी में कॉमन एलिमेंट चेंज करेंगे, तो बी में है 1, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8 कॉमन एलिमेंट देखिए आप क्या है, 2 है कॉमन, ये रहा 2 कॉमन, यहाँ पर 4 कॉमन, यहाँ पर 4 कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या निकला, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, तो 2 और 4 उभयनिष्ठ निकले। अब इसके बाद नेक्स्ट सी ए इंटरसेक्शन बी। ए में कौन है, 1 से लेकर 9 तक की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब कॉमन में क्या देख रहे हैं कि 1 से लेकर 5 तक की सभी संख्याएं कॉमन है। देखिए 1 भी है, हियर 1, हियर 2, हियर 2, हियर 3, हियर 3, हियर 4, हियर 4, हियर 5, हियर 5, तो कॉमन में क्या आ गया 1, 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू बी। अरे यह तो बी के बराबर है, और बी में कौन है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो बी कंटेन है ना, बी के सारे सदस्य ए में सम्मिलित है। कहाँ सदस्य है, बी के सारे सदस्य ए में सम्मिलित है। ये वाला भाग हम देखना चाहेंगे फिर से। देखिए इसी वाला भाग फिर से पढ़ते हैं अपन। ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 अब देखिए मैंने ये रेट से कर दिया हुआ 1 से लेकर 5 तक, यहाँ भी 1 से लेकर 5 तक है, तो दोनों में क्या कॉमन है, क्या ए में भी है, बी में भी 1 से 5 तक, यस, ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी 1, 2, 3, 4, 5 दैट इज बी। अरे यह तो बी है, तो यह तो बी के बराबर है, तो बी काय में सम्मिलित है, ए में, बी के सारे सम्मिलित है। अब डी वाला पोर्शन पढ़ना चाहते हैं। डी में देखिए ए इंटरसेक्शन डी, ए कौन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंटरसेक्शन डी। अच्छा डी में कौन कौन से एलिमेंट है बताइए, डी में है 4, 5, 6, 7 अब इनमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन में क्या मिला, एक तो ये 4 मिला, यहाँ 4 मिला, यहाँ 5 मिला, यहाँ 5 मिला, यहाँ 6 मिला, यहाँ 6 मिला, यहाँ 7 मिला, यहाँ 7 मिला, तो देयर आर 4 एलिमेंट्स कॉमन, 4, 5, 6, 7 और यह तो डी आ गया, तो डी कंटेन ए, डी के सारे सदस्य ए में है। ई वाला पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं, ई वाला पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं, ई वाला पोर्शन पढ़ना है, ई वाला पोर्शन हमें पढ़ना है। देखिए ई वाला पोर्शन, ये ई ए यूनियन डी, ए में कौन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनियन, आपका डी में कौन है, डी में एलिमेंट्स है 4, 5, 6, 7 अब दोनों के सम्मिलित, अब दोनों के सम्मिलित, तो 4 तो इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6, 7 इसमें ही है, अर्थात वापस क्या आ गया, कॉमन एलिमेंट नहीं लेना है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव दो बार नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोनों के एलिमेंट सम्मिलित हो गए, अर्थात डी सबसे टॉप है, डी के सारे अवयव ए में है, तो ए यूनियन डी बराबर वापस क्या आया, ए, देखिए क्या आया, ए, एक ही तो अवयव है, यह एक ही तो अवयव है। अब हम अगला एफ वाला पढ़ रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए में है 1, 2, 3 से लेकर 9 तक यूनियन, बी में कौन है 1 से लेकर 5 तक, और आपका सी कौन है 2, 4 आपका 5 और 6 आपका एलिमेंट है।
5, 6 एलिमेंट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें आपका यूनियन है, यूनियन है, और ए के भी एलिमेंट्स इसमें चाहिए, बी के एलिमेंट्स चाहिए, सी के भी चाहिए। तो ए से वापस आप देख रहे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 इसी में है, 2, 4, 6, 8 भी इसी में है, तो वापस आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और बी कंटेन ए, बी के सारे सदस्य काय में एम है और सी के सारे सदस्य भी एम में सम्मिलित है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या आ गया, ए आ गया। अब एच वाला कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए कौन है 1 से लेकर 9 तक, इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन डी के एलिमेंट है 4, 5, 6, 7। सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दैट इज 1 कॉमन, हियर 1 कॉमन, हियर 2 कॉमन, हियर 2 कॉमन, हियर 3 कॉमन, हियर 3 कॉमन, हियर 4 कॉमन, हियर 4 कॉमन, हियर 5 कॉमन, हियर 5 कॉमन। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ, फिर यूनियन ये यूनियन ये यूनियन 4, 5, 6, 7। अब इन दोनों को मिला के हमें लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आ गया, क्योंकि 1 से लेकर 5 इसमें और 6 और 7 ये 2 अदर एलिमेंट है। तो ये आपका क्या प्राप्त हुआ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। इसी प्रकार से आप जो है आपका मैंने एच तक भाग बताया है, इसी प्रकार से आप आई और जे वाला भाग भी कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और अपने मित्रों को भी दिखाना चाहिए। यह मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें तथा सब्सक्राइब करिए तथा अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद।